लगता है एज ए क्रिकेटर वी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया, जितने मर्जी समय के लिए हमने रिप्रेजेंट किया, वी हैव ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द कंट्री, यू फील बैड फॉर योर टीम बिकॉज आपका जब एटीट्यूड ऐसा हो, देखिए आप में क्षमता तो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड, आप में क्षमता तो पता नहीं कहाँ की है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कहाँ है वो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा कौन जान सकता है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, टीम मैनेजमेंट जान सकती है और उसको जानना भी पड़ेगा क्योंकि इतने लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। बहरहाल एक कॉलर और हैं, हमें हिसार से फोन कर रहे हैं, वेदपाल जी। वेदपाल जी स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी अशोक जी। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये, जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच था ना जी, तो 296 रन का टोटल तो फिर भी काफी था ना, तो बॉलर ने तो कुछ भी नहीं किया। यानी आपको लग रहा है 296 का टारगेट इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि हमने देखा 325 का रन भी कम पड़ गए थे, आपको लगता है 296 का टारगेट पर्याप्त था? अफ्रीका के साथ था ना 297 रन का टोटल, तो टोटल तो काफी था, तो बॉलर ने तो कुछ भी ना किया ना जी। और तो ये यूसुफ पठान और युवराज सिंह तो जो भी अपने रन बढ़ाने की कोशिश में आउट हुए, बाकी बल्लेबाज तो डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं इस मैच में। और मेरा एक सवाल हो रहा जी।